जी मैं आज आपको CT125 और CT70 न्यू मॉडल और 125 न्यू मॉडल का कोड आर्ट कार्ड भी करूँगा। सबसे पहले ये CT70 का कोड है न्यू मॉडल में, ठीक है, ये उसकी पैकिंग है, और साथ ही ये 125 का है जो न्यू मॉडल में लग के आ रहा है, ये इसका कोड है और ये इसकी पैकिंग है, ठीक है, कोड आर्ट की मुकम्मल। इसके साथ पिन भी होती है और जेन्युइन कोड आर्ट ये है। चले मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ एक एक करके, 70 में और 125 में डिफरेंट, और ओल्ड मॉडल में और न्यू मॉडल में क्या फ़र्क है, मैं इसके आपको तफसील बताऊंगा और अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले CG125 का न्यू मॉडल है का कोड आर्ट ले लेते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं जेन्युइन की, ठीक है। ये इसका कोड आर्ट है न्यू मॉडल का जेन्युइन, जो 125 न्यू मॉडल में लग के आ रहा है, जबकि जैसा कि आपको पता है कि रैपर्स के अंदर ही इसकी जेन्युइन की चीज़ें होती हैं। जी मैं इसको आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये इसकी पिन है जो कोड आर्ट के अंदर लगती है, इसकी क्वालिटी और इसका जो मेयार है बहुत अच्छी क्वालिटी में, क्योंकि जेन्युइन चीज़ कोशिश करें कि आप जो भी इंजन की चीज़ है वो जेन्युइन ही डलवाएं। ये इसकी पिन है जेन्युइन की और ये इसका कोड आर्ट है जेन्युइन, जो 125 के साथ न्यू मॉडल में लग के आ रहा है। ये देखें मुकम्मल, ये इसका कोड है जो न्यू मॉडल में लग के आ रहा है, जो जेन्युइन की पहचान है, ये होंडा का जेन्युइन कोड आर्ट है जेन्युइन। कोशिश की अगर इंजन का जो भी काम करवाएं वो आप जेन्युइन ही करवाएं, ताकि इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और मेयार भी अच्छा होता है। तो ये आपको बाइक में कार आमद के लिए जो भी बाइक का काम हो वो आप जेन्युइन ही करवाएंगे, तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा हो जाएगी और परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी। ये जेन्युइन कोड आर्ट है जो बाइक के साथ लग के आ रहा है, और ये इसकी पिन है, ये इसके अंदर फिट होती है, ठीक है, ये मुकम्मल कोड आर्ट बन जाता है, ये जेन्युइन कोड आर्ट है मुकम्मल, ये इसकी। जी ये है CT70 का न्यू मॉडल का कोड आर्ट जेन्युइन, ये इसकी पैकिंग है, फिर मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ। जी ये है CT70 के कोड आर्ट की पिन जेन्युइन, जो CT70 में कोड आर्ट के साथ लग के आती है, और ये है उसका कोड आर्ट जिसमें ये पिन लगती है, ये जेन्युइन कोड आर्ट है जो न्यू मॉडल में लग के आ रहा है। इसकी फिनिशिंग चेक करें, क्वालिटी बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, होंडा की चीज़ हमेशा बहुत अच्छी क्वालिटी में होती है, कॉस्टली ज़रूर होती है लेकिन जेन्युइन चीज़ ही फ़ायदेमंद साबित होती है। ये इसका कोड है जेन्युइन का, ठीक है, न्यू मॉडल में, ये इसका पूरा जो कोड आर्ट बना हुआ है जो पिस्टन के साथ जाके अटैच होता है, यहाँ पे पिस्टन वाली पिन लगती है, ठीक है, जो उसका लॉक होता है, और यहाँ पे पिस्टन फिट होता है उसके ऊपर, ये नीचे कोड आर्ट होता है, इसके साथ ये पिन जस्ट होती है, ठीक है। ये ज़रूरी चीज़ है जेन्युइन चीज़, इंजन में जो भी चीज़ ज़रूरी हो वो जेन्युइन ही डलवाएं, ताकि आपकी बाइक की लाइफ ज़्यादा हो और आपको बार बार जो है ना काम करवाना, जाहिर सी बात आज के दौर में बहुत मुश्किल है, तो कोशिश करें एक दो भाई पैसे लगें, बार बार आप जाके इसको रिपेयर ना करवाएं, तो इसलिए बेहतर हल है कि आप जेन्युइन ही चीज़ डलवाएं। तो जैसा कि आपको पता है मैंने आपको CG125 और 70 के न्यू मॉडल के कोड आर्ट रिव्यू करवा दिया है, तो आज की मेरी वीडियो सिर्फ इन दोनों चीज़ों के मुतालिक थी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर हूँ करूँगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किया करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़।